मेरा नाम ईयान है और मुझे स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम बचपन से है और अब तक है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ पहली बार जब मैं 12 साल की थी और मैं एक हफ्ते के लिए अपनी आंटी के घर गई हुई थी। मैं और मेरे एज के मेरे जितने भी कजन्स थे छुट्टियां बिताने वाले थे और मैं इस बात से बहुत एक्साइटेड थी। एक रात मेरे सारे कजन और घर के सारे लोग सो चुके थे, सिर्फ मैं जाग रही थी और अपनी कजन के लैपटॉप पर गेम खेल रही थी। मुझे अकेले देर तक जागने में डर नहीं लग रहा था क्योंकि मेरी कजन्स मेरे साथ ही रूम में थी। गेम खेलने के बाद मैं अपने बेड पर सोने के लिए चली गई। उस वक्त रात के 2 या 3 बज रहे होंगे। कुछ देर बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रही थी। मैं सब कुछ देख पा रही थी, मैं अपनी कजन रूम और रूम में रखी सारी चीजों को देख पा रही थी लेकिन हिल नहीं पा रही थी। और काफी कोशिशों के बाद मैं अपनी बॉडी को हिला पाई। मैं अपने बेड से उठी और भागती हुई अपनी आंटी के कमरे में चली गई क्योंकि ऐसा कुछ मुझे पहली बार हुआ था और मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। आंटी ने मुझे अपने पास सुलाया और मुझे कंफर्टेबल फील कराया। अगली सुबह मैंने इंटरनेट पर इस बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को होता है इसलिए मैं समझ गई ये नॉर्मल है और मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दिन, हफ्ते, महीने और साल बीत गए लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे साथ अब भी होती थी। लेकिन अब मैं इस बात से नहीं डरती थी क्योंकि अब मुझे इस चीज़ की आदत हो गई थी। एक दिन मेरे पेरेंट्स काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले गए। उस वक्त घर पर मैं, मेरा भाई और मेरा एक कजन भाई था। अगले दिन मेरी दादी का बर्थडे था। मेरा भाई और मेरे सारे कजन्स वहां जाने वाले थे। मैं देर तक वीडियो गेम खेलकर थक चुकी थी इसलिए कुछ देर सोना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने भाइयों से कहा कि मैं उनसे सीधा शाम की पार्टी में मिलूंगी और मैं सोने चली गई। थोड़े देर सोने के बाद मुझे स्लीप पैरालिसिस का अटैक फिर से पड़ा लेकिन इस बार मैंने उठने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं और सोना ही चाहती थी, आराम करना चाहती थी ताकि मैं शाम की पार्टी में जा सकती। मैं अपने कमरे को देख पा रही थी लेकिन तभी इस बार मैंने कुछ अलग महसूस किया और वो थी एक औरत। वो औरत काले कपड़ों में थी और उसके बाल बहुत लंबे थे। उसके लंबे बालों ने उसके पूरे चेहरे को ढक रखा था लेकिन मैं उसे पूरी तरीके से नहीं देख पा रही थी। मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रही थी। वो मुझे धुंधली सी नजर आ रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, बस समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। वो औरत मेरे कमरे के दरवाजे के पास खड़े होकर मुझे देख रही थी। मुझे लगा वो मुझे देखकर स्माइल कर रही है और अचानक वो कूदकर मेरी छाती पर आकर बैठ गई। उसने मुझे जोर से पकड़ लिया और वो मेरे बॉडी में घुसने की कोशिश करने लगी। मैं चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला नहीं पा रही थी। कुछ सेकंड्स बाद मैंने अपनी बॉडी को जगाया और मैंने उसे पीछे धकेल दिया और बेड से उठकर सीधा भागते हुए बर्थडे पार्टी पर पहुंच गई। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरे सारे कजन्स ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि अभी अभी मैंने जो भी फेस किया था। उन्होंने मुझे एडवाइस दिया कि मैं सोने से पहले प्रार्थना करके सोया करूं। मैंने उनकी एडवाइस को फॉलो भी किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा कुछ महसूस किया था इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। उस हादसे के 2 साल बाद मैं और मेरा भाई अपने पेरेंट्स के पास इटली चले गए। एक रात मैं सो रही थी और मेरा भाई कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। उस रात मैंने फिर से उसी काले साए को देखा। इस बार वो मेरे पैरों के पास थी और मेरे पैर को खींचकर मुझे गिराना चाहती थी। मैं अपने आप को जगाना चाहती थी और चिल्लाकर अपने भाई को बुलाना चाहती थी लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। तभी मैंने देखा मेरा भाई मेरी तरफ देख रहा है और हंस रहा है। उसे लग रहा था शायद मैं अपने सपनों में कुछ देख रही हूँ। मैं उसे किसी तरह से बताना चाहती थी उस काले साए के बारे में और मैं जाग भी गई। और हैरानी की बात तो यह है कि इस बार मैं जागने के बाद भी उस काले साए को देख पा रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, बस समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। मैंने अपने भाई को उसकी तरफ देखने को बोला लेकिन मुझे मेरे भाई ने कहा कि वो कुछ नहीं देख पा रहा है। उसने कहा यहाँ तो कोई नहीं है। अगले ही सेकंड वो काला साया हवा में कहीं गायब हो गया। मैंने ये सारी बातें अपनी मॉम से शेयर की थी। मेरी मॉम ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया
मुझे कहा, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं चर्च जाकर प्रार्थना नहीं करती। दूसरी रात फिर से मुझे स्लीप पैरालिसिस का अटैक हुआ और मैंने औरत को दोबारा देखा। इस बार वो मेरे करीब थी, मैं उसके चेहरे को साफ देख पा रही थी। उसका चेहरा काला और धुएं जैसा था। इस बार वो मुझसे बात कर रही थी। उसने मेरे कान में फुसफुसा कर कहा, मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ, पैसा, खूबसूरती, पॉपुलैरिटी, वो सब कुछ जो तुम चाहो। मैं जोर से चिल्लाई, नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। वो आखिरी बार था जब मैंने उस औरत को देखा था। वो साल 2017 था और अब 2019 है, और अब तक मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। मुझे स्लीप पैरालिसिस से कभी डर नहीं लगा, मुझे सिर्फ उस काले साए से डर लगता है।